नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे, HSC के द्वारा हाल ही में दो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किए गए हैं, और अगर आप इन दोनों के दोनों नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इस समय जब ये जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है, इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं, इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इनके वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर पब्लिक नोटिस में आपको दो महत्वपूर्ण नोटिस दिखाई देंगे। पहला नोटिस है यहाँ पर, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट लैंडमैन UHVN हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 11/19 कैटेगरी नंबर 21। दूसरा जो यहाँ पर नोटिस है, ये रहेगा एब्सेंट कैंडिडेट ऑफ ESP कैटेगरी स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट और ग्रुप डी में। डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर है, तो जैसे जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिस ये आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी नंबर 21, और एक कंटिन्यूशन नोटिस है क्योंकि पहले भी जारी हो चुकी है 18/12, 6/12, और कैंडिडेट वर कॉल फॉर स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट 1/2, 7/2, एंड एब्सेंट कैंडिडेट वर कॉल फॉर DV ऑन 9/2/22 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लैंडमैन UHPNL में एडवर्टाइजमेंट इतनी कैटेगरी नंबर 21 में, और कमीशन हैज नाउ डिसाइड टू गिव लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो लास्ट मौका यहाँ पर एक और जो HSC दे रही है, तो 11 तारीख को यहाँ पर ये अंतिम मौका दिया गया है। 11 तारीख को दोबारा से बुलाए गए हैं कैंडिडेट हु रिमेन एब्सेंट फॉर स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट। तो जो इन डेटों में नहीं आए हैं उनके लिए अंतिम मौका है, 11 तारीख को वो जरूर पहुँच जाए, नहीं तो उसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तो और नंबर 2 में कहा गया कि कैंडिडेट विज डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इफ एनी में आल्सो कम स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट। तो अगर कोई कोर्ट केस वाला वाला भी अगर कोई कैंडिडेट है तो वो भी 11/3 को पहुंच जाए। और क्या कुछ ले जाने अपने अपने साथ, तो ये आगे यहाँ पर बताया गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट 9 AM इन द कमीशन ऑफिस पंचकूला और आल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट 1 ID प्रूफ एंड कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन सभी की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और ये जो ID प्रूफ होना चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपके पास होने चाहिए। और ये नोटिस जो HSC वेबसाइट पर है, तो ये यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण नोटिस है। तो नेक्स्ट जो नोटिस है उसको भी देख लेते हैं। तो ये है ग्रुप डी वालों के लिए, डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर है। तो ये आपका दूसरा नोटिस यहाँ पर आ चुका है, और ये भी यहाँ पर स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट को लेकर आया है, ये भी पहले जारी हो चुका है 17/12, 12/12 को, और एडवर्टाइजमेंट 4/18 कैटेगरी 1 में। और यहाँ पर भी HSC के द्वारा लास्ट जो मौका दिया जा रहा है 21/3/2022 को ESP कैटेगरी वालों के लिए, जो यहाँ पर 2 तारीख और 5 तारीख को जो स्क्रूटनी थी उसमें नहीं पहुँचे हैं, और 21/12 को, तो यहाँ पर लास्ट मौका दिया गया है 21 तारीख को। और अगर कोई कोर्ट केस वाला कैंडिडेट है तो वो भी जो है 21 तारीख 9 बजे परेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकूला में पहुँच जाए। और यहाँ पर भी क्या कुछ आपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो ये आप देख सकते हैं, सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उन्हीं सभी की फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और ये 1 ID प्रूफ और जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो आपके पास होना चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर दिखाया गया है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट शुड बी इशू एज पर द स्पोर्ट पॉलिसी 25/5/18 एंड द गेम अचीवमेंट टूर्नामेंट शुड बी प्ले बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 18/9/2018। और सिंस द डिपार्टमेंट पोस्ट अलोशन टू एलिजिबल कैंडिडेट टेक टाइम एंड द लास्ट डेट ऑफ रिकमेंडेशन 31/3/22, सो कैंडिडेट सबमिटिंग एनी रिप्रेजेंटेशन इन कमीशन 21/3/2022 विल नॉट बी इंटेन। और इफ द कैंडिडेट हैज बीन एब्सेंट ऑन 21/12/2021 एंड 2/3 और 5/3 बट हैव सबमिट डॉक्यूमेंट थ्रू रिप्रेजेंटेशन कमीशन सच कैंडिडेट शुड ऑल्सो कम फॉर स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट 21/3। तो जो कोई भी पहले रह गया है, कोर्ट केस वाला है या किसी कारण से रह गया है, तो 21 तारीख को जो है ये सेक्टर 5 पंचकूला जो है
वहाँ पर पहुँच जाए। समय आपका यहाँ पर ये बताया गया है 9 बजे का, सेक्टर ये 5 में। तो यह जो है यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नोटिस जो है HSC के द्वारा जारी किए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।